जैसा कि एयरफोर्स व्हाट्सएप ग्रुप में मॉक प्रोवाइड किया गया, ये हमसे लगातार इंसिस्ट किया जा रहा था कि उसका सॉल्यूशन भी दिया जाए। लगातार मैसेज आ रहा था कि मैथ्स का क्वेश्चन बहुत टफ है, सबसे पहले मैथ्स का सॉल्यूशन दिया जाए। तो सबसे पहले यू चैनल के ग्रुप ने मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और यह कोशिश किया जाएगा कि अगले 12 घंटे बाद फिजिक्स का सॉल्यूशन भी दिया जाए। और इंग्लिश का हम दो PDF का कंबाइंड क्लास चलाएंगे, वो भी लाइव, जिसमें कि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर और किसी को हमारा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो 9891598057 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। हम देखते हैं सबसे पहले मैथ्स का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 46, ए बी इज अ वर्टिकल पोल विथ बी एट द ग्राउंड लेवल। ए बी एक वर्टिकल पोल है और बी उसका पॉइंट ग्राउंड लेवल पे और ए उसका टॉप पे है, ए टॉप पे है, बी ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। करा कि अ मैन फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे एक पॉइंट सी है, वहाँ से जब एक आदमी ए पे देखता है, ए टॉप पे है, बी ग्राउंड लेवल पे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब दूसरा पॉइंट ग्राउंड पे है पॉइंट डी, जब वहाँ से वह आदमी ए पे देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और यहाँ से सी से डी की दूरी 7 मीटर है। पूरा का पूरा क्वेश्चन यही है। यह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है। एयरफोर्स में ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा चैनल अलग से एक सीरीज चलाएगा, हो सकता है कि वो एयरफोर्स के एग्जाम से पहले चलाए या फिर एयरफोर्स एग्जाम के बाद चलाए, लेकिन चलाएगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन साफ शब्दों में बता देते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच बनता है। मान के चलो हम यहाँ से यहाँ पे छत पे देख रहे हैं, ये छत है, हम ग्राउंड लेवल पे, यहाँ से जब छत पे देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा डैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा केस, जब हम छत पर से नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वर कुछ हाइट पे है और ऑब्जेक्ट नीचे, तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी कि इसके बीच का जो एंगल बना, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो जो यह एंगल है डैट इज सेम एंगल, यहाँ पे यह हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आगे हम देखते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी में टैन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ए बी सी ट्रेंगल ए बी सी में टैन 60 डिग्री का वैल्यू, टैन 60 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री और टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ट्रेंगल ए बी सी में टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, तो टैन 60 डिग्री रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी। ए बी का वैल्यू हमें बताना है, क्वेश्चन यही है कि पोल का हाइट बताना है, ए बी का वैल्यू बताना है अपॉन बी सी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री बी सी। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब ट्रेंगल ए बी डी में हम देखते हैं तो टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन बी डी। अब हम बी डी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, और जब बी सी प्लस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम 7 मीटर लिख सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग बी सी प्लस 7 डैट इज इक्वल टू ए बी, ए बी के जगह पे रूट थ्री बी सी पुट कर दिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 7 इज इक्वल टू बी सी रूट थ्री माइनस 1, तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा 7 अपॉन रूट 3 माइनस 1। बी सी का वैल्यू हो जाएगा 7 अपॉन रूट 3 माइनस 1। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, रूट थ्री प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, हालांकि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो 7 रूट 3 प्लस 1, इसे हम लोग 3 माइनस 1 यानी कि 2 लिख सकते हैं, 7 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। अब हमें वैल्यू बताना है ए बी का, तो ए बी का वैल्यू हो जाता है, ए बी का वैल्यू हो जाता है रूट थ्री बी सी, और बी सी का वैल्यू हमें पता है क्या है, 7 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि ए बी का वैल्यू हो गया 7 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 मीटर, आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि द वैल्यू ऑफ 3 प्लस
अंडर रूट माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस अंडर रूट माइनस फाइव। यह क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्लास इलेवेंथ में पढ़ना था, जो कि थर्ड या शायद फोर्थ चैप्टर था। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ईजी चैप्टर था। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, इट इज़ द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अब बात है इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर अगर रूट के अंदर नॉन पॉजिटिव नंबर है तो उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और अंडर रूट माइनस वन का वैल्यू, अंडर रूट माइनस वन का वैल्यू, सॉरी आई का वैल्यू अंडर रूट माइनस वन है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, और आई फोर का वैल्यू, ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है। थ्री प्लस अंडर रूट माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस अंडर रूट माइनस फाइव। हालांकि अंडर रूट माइनस वन का वैल्यू आई होता है, तो अंडर रूट माइनस फाइव को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट माइनस वन, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट फाइव आई। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग इक्वल टू थ्री स्क्वायर माइनस माइनस फाइव। ठीक है, थ्री स्क्वायर यानी कि नाइन, और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हुआ, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 48, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि लेट ए एंड बी डिनोट द स्टेटमेंट्स कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा बी नंबर बोल रहा है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू जीरो। इफ कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। यह ट्रिनोमेट्री है, और हमने अभी अभी बताया कि ट्रिनोमेट्री का एक अलग सीरीज बताया जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ फार्मूला चाहिए। फार्मूला क्या चाहिए, तो कुछ चीज़ को क्लियर होना चाहिए। क्या कि साइन ए माइनस बी का वैल्यू, साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का वैल्यू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब वैल्यू हमें पता होना चाहिए। कॉस ए प्लस माइनस बी का ये सब फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा। साइन ए इंटू साइन बी, आगे है टेन ए प्लस माइनस बी, टेन ए प्लस माइनस बी का वैल्यू होता है टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस, वन माइनस प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। अब ध्यान देने वाला बात है यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, यही फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूला पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि ये सब ट्रिनोमेट्री का फार्मूला, और ट्रिनोमेट्री का एक अलग सीरीज चलाया जाएगा। और एक चीज़ और, साइन स्क्वायर अल्फा, ये बहुत ही बेसिक बात है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन होता है। यानी कि जो एंगल यहाँ हो, अगर वही एंगल सेम यहाँ तो वैल्यू वन हो जाएगा। वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू वन होता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे हम लेके चलें। कॉस बीटा माइनस अल्फा, सॉरी कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू। अब हम दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब टू से हम इसे मल्टीप्लाई करें और टू से हम इसे मल्टीप्लाई करें, टू से टू कैंसिल। अब इस माइनस थ्री को इधर ले आते हैं, प्लस थ्री कर देते हैं, तो टू कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हम थ्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जब हम तोड़ेंगे तो यह कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि कॉस बीटा माइनस गामा, यानी कि जो अभी फार्मूला मैंने बताया कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, उस पर ब्रेक करेंगे। जब उस पर ब्रेक करेंगे तो अपने आप जब आप ब्रेक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है। तो इन दोनों का वैल्यू तभी जीरो हो सकता है, या तो दोनों, सॉरी
इसका वैल्यू तभी जीरो हो सकता है जब दोनों का दोनों जीरो के बराबर हो, और दोनों का दोनों जब जीरो होगा तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर जीरो, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर जीरो, यानी कि ए को भी सेटिस्फाई करेगा और बी को भी सेटिस्फाई करेगा, या ए को भी सेटिस्फाई करेगा बी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 वन प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस वन बाई सेवन फैक्टोरियल। सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है डी का ई माइनस ई इनवर्स बाई टू का। और जब सी का अगर हम बात करें, सी की अगर हम बात करें तो सी के लिए जहाँ जहाँ यहाँ पे ऑड नंबर है, यानी कि 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, वहाँ वहाँ पर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो सी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ई प्लस ई इनवर्स बाई टू को। तो इसका ऑप्शन है डी, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है डी। अब किसी किसी के दिमाग में यह क्वेश्चन होगा कि ई होता क्या, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ई, तो ई होता क्या। जनरली कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। कुछ लोग बोलते हैं कि ई मैजिकल नंबर है, कुछ लोग बोलते हैं कि ई इरेशनल कांस्टेंट है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ई यूलर्स नंबर है। लेकिन जनरली ई एक ग्रोथ है जो कि हमेशा डबल होते जाता है, ठीक है। लाइक द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच सम इज -1 इज। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मान के चलो एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और अगर कोई लाइन इसे काट रहा है तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होगा उसे हम स्लोप बोलते हैं, और उसे एम से डिनोट करते हैं, डैट इज इक्वल टू टैन थीटा। और एम को हम लोग अगर दो पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। जनरली हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, लेकिन जब इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना हो तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 4, 3 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट 4, 3 सबसे पहला चीज़। दूसरा कि जो इस पे इंटरसेप्ट बन रहा है, ए बी जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसका सम -1 के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी बराबर -1, तो ए इज इक्वल टू -1 -, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ए बी इसका एलसीएम, यानी कि बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आके होगा, तो ए बी एक्स वाई के जगह पे हम 4, 3 पुट कर देते हैं, तो डैट विल बी इक्वल टू 4b प्लस 3a डैट इज इक्वल टू ab, ठीक है। आगे जैसे ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 है a इज इक्वल टू -1 -b, तो हम a के जगह पे पुट कर देंगे सब जगह, तो आंसर आ जाएगा इसका a। जब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 50 का आंसर आ